अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कम्युनिटी डिबेट के प्रोग्राम में मैं आपका मेज़बान मोहम्मद फर्रुख अपनी को होस्ट किंजा हक के साथ। और आज का टॉपिक है कम्युनिटी नेटवर्किंग, जो पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी के लिए बहुत अहम है। बिकॉज टू प्रिजर्व आवर शेयर्ड कल्चर्स, वैल्यूज एंड रिलीजन्स, इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट वी बिगिन स्पीकिंग टू ईच अदर फर्स्ट। Additionally, community networking can link the thousands of communities that already exist across the United States and all of North America on a national level that can help Pakistanis realize that even in the current political conditions, they are not alone. Today we have with us a panel of esteemed guests, the first of which is Dr. Asif Rahman, who is best known for being former president of UPNA and who is well known in the community as an activist. He is also by profession an invasive cardiologist. Unke saath tashreef lagte hain Dr. Safdar Chadda, peshe ke etbar se dentist hain. Dr. Safdar Chadda New York Tri-State ki sabse badi Islamic tanzeem markaz jise kehte hain Islamic Center Long Island ke sabse pehle chairman aur founding member hai. Iske alawa Muslim Day Parade ke aagaaz mein bhi ye chairman the aur inko ye izaz hasil hai. Inhone Muhammad Ali Azim boxer ko Muslim Day Parade mein as a चीफ मार्शल लेके आए थे। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस। नेक्स्ट वी हैव मिस्टर राफे आबिद, हु इज फाउंडर ऑफ आबिद टैक्स एलएलसी, व्हिच इज अ स्पॉन्सर ऑफ दिस प्रोग्राम। ही इज आल्सो द चेयरमैन ऑफ द साउथ एशियन कॉमर्स कम्युनिटी एंड ऑन नवंबर 15th विल बी होस्टिंग अ लार्ज साउथ एशियन एक्सपो इन द नासो कोलिसियम। उनके साथ तशरीफ रखते हैं मलिक नासिरवान, कम्युनिटी का एक जाना पहचाना नाम, न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट में कम्युनिटी लेजान ऑफिसर, अलामा इकबाल कम्युनिटी सेंटर के चेयरमैन हैं, ब्रुकलिन मर्चेंट एसोसिएशन इंक के भी चेयरमैन हैं। हम मलिक नासिरवान को खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू। नाज़रीन, शुरू करते हैं अपने मेहमान से गुफ्तगू का आगाज़। डॉक्टर आसिफ रहमान, आपसे शुरू करते हैं, क्या हम वाकई अमरीका में अपनी उम्र, जो हमारी अब तक की उम्र है, उसके लिहाज से यहाँ के मेन स्ट्रीम में बहुत पीछे हैं? बज़ाहिर तो ऐसा नज़र आता है कम्युनिटी को, अगर दीगर कम्युनिटी का से तकाबिल करें, आप क्या समझते हैं, और अगर हम पीछे हैं तो उसकी वजह क्या है? सबसे पहले केंजा एंड फरुख, थैंक यू फॉर हैविंग मी जियो टीवी फॉर कंटिन्यू दिस कम्युनिटी डिबेट। आई थिंक वी आर नॉट डूइंग दैट बैड। अगर आप हिस्टोरिकली पुरानी कम्युनिटीज़ भी देखें तो पाकिस्तान की जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है, दिस इज़ देयर फर्स्ट जनरेशन एंड आई थिंक वी आर डूइंग वेरी वेल कम्पेयर टू अदर कम्युनिटीज़। यहाँ पे जो हमारी कम्युनिटी पहले आके सेटल हुई, मोस्टली देवर प्रोफेशनल्स एंड नाउ देर आर अदर पीपल आर कमिंग इन एंड वी आर डूइंग वेल कम्पेयर टू इटालियन कम्युनिटीज़ एंड आयरिश कम्युनिटीज़ एंड जूश कम्युनिटीज़। दे इट टुक देम आलमोस्ट टू जनरेशन्स टू गेट वेयर दे आर एंड आई थिंक फॉर द बिगनर्स वेरी फर्स्ट जनरेशन वी आर डूइंग वेल। बट इस वक्त जो वर्ल्ड की डायनेमिक एंड पोलिटिकल लैंडस्केप चेंज हो गया है, तो उसकी वजह से वी नीड टू बी डू लिटल बिट मोर प्रोएक्टिव, वी नीड टू गेट मोर इन्वॉल्व्ड कंपेयर टू अदर कम्युनिटीज़। और आई थिंक जो ट्रेंड हो गया है यूएस के अंदर, अभी जो यूरोप में हो रहा है, आज फ्रांस में भी नेशनलिस्ट पार्टीज़ आर गेटिंग मोर पॉपुलर, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट कम्युनिटीज़, मुस्लिम कम्युनिटीज़, पाकिस्तानी कम्युनिटीज़ एंड साउथ एशियन कम्युनिटीज़ अपने अंदर भी यूनिटी पैदा करें, अपने अंदर रिलेशनशिप पैदा करें, अपने अंदर कोलैबोरेशन पैदा करें एंड देन ऑन इशू टू इशू बेसिस कोलैबोरेट विद अदर कम्युनिटीज़। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जब आयरिश और इटालियन और ये सब आए थे तो दे फेस्ड वेरी सिवियर डिस्क्रिमिनेशन जब आए थे। जब पाकिस्तानी कम्युनिटी पहले आया था, उन्होंने मतलब दे वरंट फेस्ड विद द सेम काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। डू यू थिंक दैट हैज एन इफेक्ट ऑन हाउ सक्सेसफुल दे हैव बीन? शुरू में हमें तो इतनी डिस्क्रिमिनेशन फील नहीं हुई जब हमारी अर्ली पेरेंट्स आए, लेकिन वक्त गुजरने के साथ जब पॉलिटिकल लैंडस्केप चेंज हुआ और ये 9/11 के बाद और वार ऑन टेररिज्म के बाद, उसके बाद मुस्लिम कम्युनिटी स्टार्टेड हैविंग मोर डिस्क्रिमिनेशन एंड दैट इज़ वी हैव टू नाउ रेक्टिफाई। गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं। एक आम शख्स को, पाकिस्तान के आम कम्युनिटी के एक आम शख्स को कहाँ से सियासत का आगाज़ करना चाहिए? और सबसे पहले तो मैं ये आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने हमें इन्वाइट किया और मौका दिया कि हम भी अपनी कम्युनिटी एट लार्ज के साथ शेयर कर सकें कि यहाँ के मसाइल क्या हैं और यहाँ हम किस तरह कोशिश कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, ताकि मेन स्ट्रीम जो कम्युनिटीज़ हैं उनके साथ हम भी मिलकर काम कर रहे हैं। और ये मेरा ख्याल है कि हमें
प्रेसिडेंट ट्रंप का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उसने हम लोगों को मजबूर किया और ये सोचने पर मजबूर किया कि हम भी पॉलिटिकली एक्टिव हों, सोशली एक्टिव हों और दूसरी कम्युनिटी के साथ मिलकर काम करें। तो ये हुआ कि अब लोगों को एहसास हो गया, पहले ये एहसास नहीं था। पहले हम मिन्नतें करते थे कि यार मीटिंग में आओ, ये करो वो करो, और यार हमारे पास टाइम नहीं है, हम बिज़ी बहुत हैं। अब जब चूँकि इट्स अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ, अब देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, किस तरह आपने देखा कि ये हमारी कोशिशें थी कि जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये मुसलमान बैन फर्स्ट ऑर्डर जो साइन किया तो एयरपोर्ट जैम हो गई, लोग बेचारे परेशान हो गए। लेकिन चूँकि हमने काफ़ी अरसा से इंटरफेथ में, ख़ासतौर पर इस्लामी सेंटर लॉन्ग आइलैंड ने इतना काम किया इंटरफेथ में कि जब इसका कहते हैं ये हुआ, ऐलान हुआ, तो उन्होंने मोबिलाइज़ किया, बल्कि वो हर वीकेंड, हर फ्राइडे को कोई ना कोई ग्रुप आता है क्रिश्चियन का या जूस का। अभी यानी इस सैटरडे, इस फ्राइडे को वो 30 जूश ग्रेट नेक टेंपल से आए, और उनके मेरे पास तस्वीरें हैं, अगर आप दिखा सकें। डॉक्टर साहब, ये चीज़ें जो आप बता रहे हैं कि इंटरफेथ और ये जूश कम्युनिटी आई, इसमें ओवरऑल कम्युनिटी को तो कोई इसका अदराक भी नहीं है और कोई कम्युनिटी को इसके बारे में नो हो भी नहीं है? नहीं, ये तो हर जो भी ऑर्गेनाइजेशन है या तंजीम है या इस्लामिक सेंटर है या जो मस्जिद हैं, उनका काम है कि वहाँ हर जुमे को हमारे मस्जिद में 500-600 लोग आते हैं, और मस्जिद में भी जाते होंगे कम से कम 100-200। तो अगर वो भी इसी चीज़ को अपनाएं और लोगों को इन्फॉर्म करें कि भाई ये कम्युनिटीज़ के साथ हमको मिलजुल के रहना चाहिए, तो फिर यह है कि स्प्रेड द वर्ड। लेकिन माशाल्लाह अब ये आप लोगों का काम भी है, आपके न्यूज़पेपर में या इस प्रोग्राम में जैसे हमें लाए हैं, तो जनरल कम्युनिटी को पता चले कि भाई मसाजिद का रोल क्या है। वो टिपिकल मसाजिद जो पाकिस्तान में है या दूसरे मसाजिद मुल्कों में है, उसका रोल ना समझे। ये इज़ ए न्यू फिनमिना जो हमने आज से कोई 30 साल पहले शुरू किया था। 84 में मैं आई वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इस्लामिक सेंटर लॉन्ग आइलैंड, और हमने उस वक्त से शुरू किया कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी, शिया आए, सुन्नी आए, देवबंदी आए, जो भी है भली वो आए, लेकिन ये है कि उसको हमारे साथ मिलके काम करना था, मिलके। मलिक साहब, ये बताएं, कहा जाता है कि अमरीकी सियासत में दौलत की अहमियत अपनी जगह, मगर हेड्स यानी वोटों की भी बड़ा यानी कंसिडर किया जाता है कि वोटों के बगैर हम कहीं आगे नहीं जा सकते, मगर हमारे कम्युनिटी में इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दी। आपके ख्याल में किस तरह से हम इस पर तवज्जो दे सकते हैं और कैसे वोटों को तादाद बढ़ाकर हमें अमेरिका को एहसास दिला सकते हैं? असल में बात यह, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ जियो टी वी का और इसके स्पॉन्सर का जिन्होंने ये प्रोग्राम शुरू किया ताकि लोगों के साथ हमको बात करने का मौका मिल सके। असल में फर्क भाई बात यह है कि वोटों को हम जब अपने 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 इलाके में, अपने अपने हलके में जो भी लीडरान हैं ये काम करेंगे, फिर ही कम्युनिटी को एक्टिव करेंगे, तो फिर ही वोटों की तरफ उनका रुझू होगा। लोगों के पास, कुछ लोगों के पास वोट रजिस्टर हैं लेकिन वो डालने नहीं जाते। उसमें जो कम्युनिटी लीडरान हैं उनका काम यही नहीं है कि पिक्चर ही सिर्फ बनाएँ, उनका काम ये है कि उनको एक्टिव करें। अपने अपने इलाके में जो भी लीडरान हैं उनको एक्टिव करना चाहिए अपनी कम्युनिटी को, कि वोट की क्या कदर कीमत है, पैसे की अपनी कदर कीमत है, जिसको फंड रेजिंग करें उसकी भी आपको पता है एक बड़ी वैल्यू है, लेकिन उसके साथ साथ वोट की वैल्यू इसलिए बढ़ सकती है ताकि वोट की हर जो भी कैंडिडेट उसको ज़रूरत होती है। और उसका तरीक़ेकार यही है कि हम लोगों को मोटिवेट करें कि वोट की हवियत क्या है, वोट की अहमियत क्या है, और वो फिर ही हो सकता है जब हम एक्टिव होंगे और दूसरे लोगों को भी एक्टिव करेंगे। तो आबिद साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जो आप साउथ एशियन कॉमर्स में जो आप काम करते हैं, do you see a lot of Pakistani representation there, and what have your experiences been like with the Pakistani community in the South Asian commerce? sabse pehle to main kinza aapka aur farooq ka shukriya ada karta hu ki unhone mujhe yahan bulaya aur mujhe mauka diya ki main apne khayalat ka izhar karu. actually south asian chamber of commerce jo hai humne is wajah se banayi thi ki hum tamam pakistani indian aur bangladesh ke jo log hain unke jo businessman hain unko ek platform pe jama kare और एक दूसरे की हेल्प करें, तो हमें बहुत अच्छी सक्सेस हुई है और सब एक दूसरे के साथ कॉपरेट करते हैं। और उसका सबसे बड़ा मकसद यही था कि जो पाकिस्तान बिज़नेस कम्युनिटी है वो एक दूसरे को सपोर्ट करे, ताकि ये है कि वो एक दूसरे से जो बेनिफिट लें, उसके बाद हम एक दूसरे को जो है
मार्केटिंग के उसमें से सिखाते हैं, हम लोग बिज़नेस कार्ड एक्सचेंज करते हैं और हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है और लोग एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करते हैं। मेरा कहना यही है कि हमें जो है पाकिस्तानी के साथ साथ दूसरी ममालिक को भी जो साथ लेके चलना चाहिए जो हमारे साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं, ताकि उन आपस में जो है ना मोहब्बत बढ़े और ये है कि हम एक दूसरे के काम आ सकें। आप सब के लॉस एंजलिस से मियामी तक रूट्स हैं आप लोग के मौजूद यहाँ पर, तो आप ये नहीं समझते कि इन सब का फ़ायदा उठाया जाए और एक ऐसी बड़ी तंजीम, एक ऐसी बड़ी प्लेटफॉर्म तश्कील दिया जाए जिसमें हर घर को शामिल किया जाए ताकि मुश्तरका तौर पे कोई बड़ा सियासी फैसला करके आगे बढ़ा जाए? आई थिंक अब वक्त की एक ज़रूरत है कि एक मदर ऑर्गेनाइजेशन बने, मदर ऑर्गेनाइजेशन बने जो कि एक मिनिमम एजेंडास पे बाकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोलेबोरेट करे। अपना हो गई या देर आर लॉट ऑफ अदर ऑर्गेनाइजेशंस, उनका एक अपना मैनिफेस्टो है, उनका अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन है, उनका अपना एक एम एंड ऑब्जेक्टिव्स है, सो वो तो हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना अपना है। लेकिन एक ऐसी या ऐसी ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गेनाइजेशंस जो कि कामन ऑब्जेक्टिव फॉर कम्युनिटी, कामन ऑब्जेक्टिव्स फॉर एम बट मिनिमम गोल्स के साथ कोलैबोरेट करके सबके साथ, and it will be a good strength and good power to show. It becomes difficult, but I think it is a doable, particularly in this atmosphere now. Lekin mera ek sawal ye hai ki within these communities, within the Pakistani community itself, at the highest levels, women don't have a lot of representation. What do you think your individual roles are in bringing women to empowerment in these communities and in these organizations, if you are speaking of a mother organization? पहले तो मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन एज अपना बताऊं कि आई थिंक अपना इज़ वेरी वेल रिप्रेजेंटेड बाय वुमेन। वी हैव मल्टीपल वुमेन हु वर अवर प्रेसिडेंट्स और ऑल फिजिशियंस आइदर डायरेक्टली और थ्रू देयर स्पाउस आर वेरी एक्टिव एंड इवन इन अंडर अपना प्लेटफॉर्म देर इज़ अपना अलायंस वेयर वुमेन आर एक्टिव एंड वापना एंड देर इज़ अ सब सोसाइटीज़ ऑफ अपना। आई थिंक द न्यू जनरेशन, पर्टिकुलरली द जनरेशन विच इज़ बोर्न एंड रेज्ड हेयर with your age group, they have to be involved, and not only involved, they have to bring them to a leadership role, and that's how we can make a difference. Malik sahab, jaise bhi voto ki baat ho rahi thi, right, vote registered bhi hote hain, sab kuch baatein bhi hoti hain, magar hum is position mein abhi tak nahi aa sake ki apni voting ki power se batour community leader siyasadano ko bargaining kar sake unke sath, to aisa kya wajah hai, kyun aisa nahi ho saka? असल में ये है कि हमको चाहिए, जो पीछे हो गया वो तो ठीक है, लोग एक्टिव नहीं थे, जैसे उन्होंने बोला कि ट्रंप ने हमको एक्टिव किया है, काफ़ी लोग एक्टिव हैं। हम चाहते हैं अभी भी टाइम जो है गुजर चुका है उसको भूल जाओ, आगे से शुरू करो नए सिरे से। जो भी हमारे पॉलिटिक्स हैं उनके साथ, जिस जिस इलाके में कोई एक्टिव है उनके साथ कीप इन टच रहें और उनसे बेनिफिट भी कम्युनिटी के लिए लें और कम्युनिटी को भी रिकॉग्नाइज कराएं कि वोट की क्या अहमियत है, वोट की क्या पावर है। जब तक हम लोगों को बताएंगे नहीं, उसके लिए एक बंदे का काम नहीं है फर भाई, ये सारी कम्युनिटी के जो लीडरान हैं उनको अपने अपने इलाके में ये रोल अदा करना पड़ेगा, तो वोट की अहमियत उनको बताना पड़ेगी। और जब हम उनको इकट्ठा कर लेंगे, बताएंगे कि वोट की अहमियत ये है और जिस दिन इलेक्शन होगा हम स्ट्रगल करेंगे सारे उनको बाहर जाके वोट वो कास्ट करें, तो इंशाल्लाह फिर हम जो है ना इसमें कामयाब हो सकेंगे। चड्डा साहब, अभी आबिद राफी साहब की आपने गुफ्तगू सुनी, कम्युनिटी को कैसे मुत्तहिद किया जाएगा, क्या ऐसी स्ट्रेटजी हो इसके लिए? और उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो वो चीज़ है कि कोलैबोरेशन तभी होगी अगर सिंसेरिटी होगी लीडरशिप में। सिंसेरिटी जो है वो उसका फ़िकदान है हमारी कम्युनिटी में। मैंने आपको दो मिसालें दे सकता हूँ जिसमें मैं पहले हमेशा पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में पार्टिसिपेट करता था। आई वाज प्रेसिडेंट ऑफ इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन एंड उसका जो दायरा है वो इंटरनेशनल है, इज़ नॉट लिमिटेड ओनली टू यूएसए। आपको पता है कि ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जिसने कि इतना आगे बढ़ के हिस्सा लिया हो, हेटी में हो, पैलेस्टाइन में हो, बांग्लादेश में हो, पाकिस्तान में हो। अवर वॉलंटियर फ्रॉम इस्लामिक मेडिकल मिस्टर आबिद, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जो डॉक्टर रहमान ने अभी मदर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात किया है, अंडरस्टैंडिंग दैट देयर आर ऑलरेडी सो मेनी स्मॉल साउथ एशियन कम्युनिटीज अक्रॉस द कंट्री, डू यू थिंक दैट इट्स पॉसिबल टू क्रिएट अ लार्ज मदर ऑर्गेनाइजेशन लाइक दिस? काफ़ी अरसे से लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि एक मदर ऑर्गेनाइजेशन बन जाए, लेकिन मसला ये है
कि हर आदमी बादशाह बनना चाहता है yes, तो वो उसकी राह में रुकावट है। यानी हमारे यहाँ न्यूयॉर्क में 2000 से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन हैं जो पाकिस्तान की बेस पर बनी हुई हैं, लेकिन ये कि उसमें हर आदमी जो है वो जो है अपने आप को बादशाह समझता है, और यही सबसे बड़ी जो हमारी खामी है कि एक दूसरे को हम रिकग्नाइज़ नहीं करना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि सब कुछ हम ही करें। तो वो जो है, लेकिन अगर लोग यंग जनरेशन सामने आए और सिंसियर हों और उनका मकसद फोटो सेशन ना हो और ना ही उनका मकसद पैसा कमाना हो, तो ये बिल्कुल मुमकिन हो और ये पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा है। बल्कि मैं यहाँ एक चीज़ और ऐड कर दूंगा कि जब हम पाकिस्तान से बाहर होते हैं हमें किसी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पे कोई जो है पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं होनी चाहिए, सिर्फ पाकिस्तान होना चाहिए। चड्डा साहब, आप सोचते हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है हमारी यंग जनरेशन कम्यूनिटी में? मुझे यंग जनरेशन से बहुत उम्मीद है, और हम उस पर, मैं आपको सिर्फ एक मिसाल देता हूँ, इस्लामिक सेंटर लॉन्ग आइलैंड में हमारा ये क्या कहते हैं फोकस है कि जो भी बोर्ड मेंबरशिप हो उसमें आधे तक, कम से कम आधे जो हों औरतें हों, और उसमें कोई औरतें ये नहीं कि मैच्योर हों, यंग हों, जो कि पोटेंशियल लीडरशिप को रोल अदा कर सकें। और ये वाहिद मस्जिद है जिसने पहली दफ़ा वुमन प्रेसिडेंट इलेक्ट किया है, और उसने इतना काम किया है उस मोहतरमा ने, शी इज़ ए बाय प्रोफेशन मेडिकल डॉक्टर, इतना काम किया है कि ये जो न्यूज़ डे है, ट्वाइस शी हैज़ बीन चोजन द 50 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन ऑफ लॉन्ग आइलैंड। हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी नाज़रीन, इस टाइम में एक शॉर्ट ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले हमारे उन स्पॉन्सर्स का पैगाम सुन लें जिनकी वजह से आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं। हमारे पहले स्पॉन्सर हैं कबाब किंग स्टेक हाउस। जैक्सन हाइट्स में अपने कामयाब बिजनेस के बाद इन्होंने लॉन्ग आइलैंड में एक स्टेक हाउस कायम करने जा रहे हैं। इसके अलावा हमारे दूसरे स्पॉन्सर हैं एनुअल हरमैन टूर एंड ट्रेवल्स, हज उम्रा हर किस्म का पैकेज इनके पास मौजूद है, और साथ ही साथ हमारे साथ ताउन किया है NYC ब्रोकरेज, NYC गार्जियन ब्रोकरेज, इंश्योरेंस की दुनिया का ये बड़ा नाम है। चलते हैं शॉर्ट ब्रेक की तरफ। Welcome back. Now, before we continue with the conversation, we wanted to let you all know that we are available at email address at community.go@gmail.com. Additionally, you can like us on Facebook, follow us on Twitter, and we are also on WhatsApp. Malik saab, ab ye guftugu ho rahi thi mother organization ki ki kis tarah se isse aage badhaya jaye. Aap sab jante hain apna ek badi tanzeem hai jinke paas tajurba bhi hai, skill bhi hai. To ये नहीं आप समझते कि अपना को और अपना काम भी करना चाहती है, अपना आगे आए और आप लोग उसको सपोर्ट करें और उसे लीडरशिप रोल दें, क्या कहते हैं इस बारे में आप? मेरा ये अपने जो है ना, मैं कहना चाहता हूँ कि अगर ये पूरे USA से हर सिटी से 2-4 तंजीमें या 10 तंजीमें या 5 ले लें, अगर 10 ज़्यादा हैं तो 5 तंजीमों के साथ ये कीप इन टच रहें, कम से कम इनका काम है कि रابطہ रखें लोकल तंजीमों के साथ भी। अगर 20 के साथ नहीं रख सकते, कम से कम जो बड़ी 5-10 तंजीमें हैं उनके साथ रखें। एक पॉइंट वाली बात की इन्होंने कि लोकल तंजीमों के साथ भी कोलैबोरेट करना चाहिए, कोलैबोरेशन होना चाहिए। तो अपना जिसके जैसे जिक्र अभी किया गया है कि उनके पास स्किल है, उनके पास रिसोर्सेज हैं, तो आप मलिक नासिर रहमान की बात को आप समझते हैं कि अपना को लोकल तंजीमों के साथ कोलैबोरेट करना चाहिए? आई थिंक मैं तो अपना का स्पोक पर्सन नहीं हूँ, आई थिंक अपना EC और अपना के प्रेजिडेंट कैन एलैबोरेट ऑन दैट, लेकिन अपना जो ऑर्गेनाइजेशन है ये फिजिशियन ऑर्गेनाइजेशन है। सो आवर ऑब्जेक्टिव, आवर एम, आवर advocacy is mostly geared towards physician and physician community. ye this organization does not represent Pakistani community at large, but it agar aap baat to karte na ki community mein kaam karne ka azm ko aap zahir karte hain, but it represent Pakistani physician community at large. wo physician jis tarah Chadda sahab hai, he is not very active maybe in apna, lekin ye community ke andar active hai. इसी तरह जब कोई ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें कॉमन गोल्स आते हैं कम्युनिटीज़ के, पाकिस्तान के सिविल राइट्स के, या देर इज़ एनी ट्रेजडी इन एनी वेयर, तो अपना हैज़ कोलैबोरेटेड विद अमाना, अपना हैज़ कोलैबोरेटेड विद अदर ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन जब तक ये कोलैबोरेशन ज़्यादा वर्कआउट नहीं होती, इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट कि जी आप न्यूयॉर्क में से सिर्फ 3 ऑर्गेनाइजेशंस को पिक कर लें और कहें कि जी बाकियों के साथ नहीं करते। इट इज़ अ वेरी गुड थाट, बट इट नीड्स टू बी जस्ट वर्कड आउट लिटिल बिट मोर, इट नीड टू बी लुक्ड इनटू मोर।
So then do you think that it is the responsibility of professional organizations like UpNet to support the rest of the Pakistani community? Do you think that there is room for overlap between the business communities, the religious communities, and the professional communities? Yes, there is. UpNet has to play a role in physician communities as well as community at large, particularly when their interests are common, when their goals are common. But it becomes very, ab jis tarah in a business community, inke apne kuch issues honge which are purely business related issues, usme to apna kuch role nahi na kar sakti. But if this business community or hamare civil rights pe issues aa jate, then I think all organizations should come together on that objective ke jis civil rights is. Similarly, the leadership training, I think apna can help these other organization. Young leadership training mein we are working a lot inside our organization. अपना के तजुर्बात से इनके मतलब जो इसके लिए से कोई मदद ली जा सकती है और कम्युनिटी के लिए वाकई कोई ऐसा मदर ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए जिससे कम्युनिटी को फ़ायदा हो एट लार्ज. और कम्युनिटी को फ़ायदा हो सकता है डिपेंडिंग के जो लीडरशिप चुनी जाए वो सिंसियर, ऑनेस्ट और हार्ड हो, क्योंकि ये चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट हैं. इससे पहले एक MPAC अभी भी है, शायद आपको पता होगा, मुस्लिम पोलिटिकल एक्शन कमेटी, जिसने कि पिछले इलेक्शन में रिकमेंडेशन दी कि किसको वोट देना चाहिए किसको नहीं देना चाहिए. हमने उसके उनके साथ कोलाबरेट भी किया. आगा सईद का नाम शायद सुना होगा आपने, डॉक्टर आगा सईद जी भी. तो ये यानी कि अटैम्प्ट हुई हैं, लेकिन वही है कि हमारे जो इनहेरेंट प्रॉब्लम जो है ना वो ईगो है. जब तक हम उसको ऐसे लीडर ना मिलें जो उस चीज़ को आप कंट्रोल कर सकें और आगे दूसरों को आगे बढ़ाने की कोशिश करें, ये नहीं कि खुद आगे बढ़े. यू नो, ये कमांडर इन चीफ जो होता है वो आगे नहीं सबसे जाता, पुराने ज़माने में होता था. अब कमांडर चीफ पीछे होता है, सोल्जर्स और आर्मी आगे जा होती है, उसके उसकी डायरेक्शन देना है. हमारी कम्युनिटी में इस चीज़ की कमी है कि ऐसे लीडर हों जो कि डायरेक्शन दे सकें और उसको खुद भी फॉलो कर सकें. मेरा जो तजर्बा अपना है मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन में, मैं यही देखता हूँ कि हर कोई आगे बढ़ने की कोशिश करता है. ये चीज़ प्रिवेंट करने के लिए आदिल साहब, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि हाउ डू वी गेट द कॉमन पाकिस्तानी इन्वॉल्व्ड इन समथिंग दैट लाइक अ मदर ऑर्गेनाइजेशन? हाउ डू वी नॉक ऑन डोर्स एंड शो मॉडर्न एवरेज पाकिस्तानी अमेरिकन्स दैट वी आर इंटरेस्टेड इन देयर पार्टिसिपेशन इन ऑर्गेनाइजेशंस लाइक दीस? एक्चुअली ये है कि आम पाकिस्तानी जो है उसको निकालना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन यह कि सबसे पहले हमारे पर लीडरशिप जो सिंसियर हो, हार्ड वर्किंग हो और ऑनेस्ट हो. अगर लोग ये देखेंगे कि हाँ भाई जो हम इनको डोनेशन दे रहे हैं या पैसा दे रहे हैं या हम उनकी हेल्प कर रहे हैं, तो वो पैसा सही जगह पे खर्च हो और लोग जो है अपनी फोटो सेशन से बाहर निकल के आएँ और एक दूसरे एक्चुअल काम करके दिखाएँ. यह ना हो कि सिर्फ जो है ना फोटो सेशन के लिए आ गए या पैसा बनाने के लिए आ गए, उससे आगे बढ़ के जो काम करना पड़ेगा और हमें एक दूसरे को एक्सेप्ट करना पड़ेगा. और सबसे बड़ी चीज़ यही है कि हमें जो है ना एक दूसरे के साथ मोहब्बत और एक्सेप्टेंस की ज़रूरत है कि हम एक दूसरे को एक्सेप्ट करें. कुछ लोग समझते हैं कि मौजूदा सियासी तनजीमों को मिला के एक बड़ी सियासी तनजीम तश्कील दी जाए. आप कम्यूनिटी के ऑर्गेनाइजेशन के बहुत करीब हैं, जो कम्यूनिटी के अंदर जो सियासी लीडरों के अंदर जो चौधराहट पाई जाती है, उस माइंडसेट की मौजूदगी में ऐसा मुमकिन है? असल में आपको पता है कि पाकिस्तानी हर पाकिस्तानी लीडर है. इधर आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं. जबकि लीडर हर पाकिस्तानी नहीं होता, हर बंदा नहीं होता, चंद बंदे ही लीडर होते हैं. तो मैं ये कहता हूँ कि जैसे अगेन अगर आप बड़ी तनजीम बनाना चाहते हैं, जैसे अपना तो ड्राई कर दिया कि ये फिजिशियन की तनजीम है, लेकिन आपको कम्यूनिटी बेस पर बात कर रहे हैं तो फिर वही बात होगी कि हर जो सिटी है, जैसे स्टेट कह लें, हर स्टेट से बंदे लेने पड़ेंगे, फिर ही वो तंजीम कामयाब होगी. ऐसे कैसे कामयाब होगी? तो उसमें यह है कि जो बड़ी तंजीमें हैं, लेट्स सी के उससे रابطہ करके एक ग्रुप तश्कील दिया जाए, वो भी अच्छे बंदे जो अपने आप जिनके पास पैसा हो, जो डोनेट कर सकें. ये नहीं कि ये बगैर पैसे के कोई तंजीम नहीं चल सकती. जब तक पैसा हो फिर तंजीमें चलती हैं. और उसके लिए यही है कि अच्छे बंदे हर स्टेट से पिक हों और वो एक तंजीम बना सकते हैं जो कि कम्यूनिटी की हेल्प करे. डॉक्टर तो अपनी हेल्प आप खुद करते ही हैं, फिजिशियन की करते ही हैं, लेकिन हमको चाहिए जो कम्युनिटी की हेल्प, जो लोकल लेवल पे हर बंदा जो होगा अपनी स्टेट से, वो अपने बंदों की जो तनजीमों की हेल्प करेगा, इस तरह वो आम बंदे तक हेल्प पहुंचेगी, उस बड़ी तनजीम की, छोटी तनजीमों तक और छोटी तनजीमों की हेल्प जो है. चौधराहट का जो माइंड सेट है, इसको कैसे तब्दील किया जाएगा? वो जब बंदे जो हैं वो पिक हो जाएंगे,
چودراہٹ جو چھوٹے لیول پہ لوگ کرتے ہیں ان کو جینے کا حق دیا جائے وہ جئیں، لیکن بڑی تنظیم کی آپ بات کر رہے ہیں تو بڑی تنظیم پھر ہی جب 54 اسٹیٹ سے ایک بڑی تنظیم بن جائے گی تو چھوٹے لیول پہ جو کام کر کے ان کو لیٹ دیم ڈو اٹ واٹ ایور دے ڈوئنگ دیئر، ان کی کوئی بات نہیں، لیکن آپ نے بڑی تنظیم کی بات کرے تو وہی ہو سکتا ہے کہ اپنے ہر اسٹیٹ سے 2-4 بندے پہ کیے جائیں اور اس طرح جو 50 لوگوں کی جیسے اپنا کی متبادل ایک تنظیم بنائی جائے جو کہ کمیونٹی تک اس کے روٹس ہوں۔ ڈاکٹر صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہتی تھی کہ یہ جو دس سینس دیٹ وی گیٹ دیٹ ایوری ون از ٹرائنگ ٹو بی دیئر اون لیڈر، اس کی وجہ کیا ہے اور ہم اس چیز کو اپنے میں بھی مطلب کیسے ڈیل کر سکتے ہیں، کیسے ہینڈل کر سکتے ہیں؟ میں تو آپ کو پرسنل اگزامپل اپنی آرگنائزیشن سے دے سکتا ہوں، جو سب پارٹیسپینٹ کہہ رہے ہیں دے ہیو دیئر اون آبزرویشنز اینڈ دے آر سیئنگ ویری رائٹ وے۔ اب اس وقت اگر آپ دیکھیں تو اپنا ایز آف آرگنائزیشن از دی اونلی پولیٹیکل ڈیموکریٹک آرگنائزیشن آف ایجوکیٹڈ پاکستانی پیپل ان ویسٹرن ہیمسفیئر، اینڈ وائی اٹ از اے ڈیموکریسی۔ دیر از ایوری ون دیر دے کین سے چودھراٹ اینڈ ایوری تھنگ، بٹ دیر از اے چینج آف پاور ایوری ایئر۔ یو مائٹ ناٹ لائک دا پرسن دیٹ ایئر، بٹ یو لیو ود اٹ، ورک ود اٹ، اینڈ اگلے سال دوسرا آئے گا، پھر اس کے بعد تیسرا آئے گا۔ ہمارے وی آر ان ایگزسٹنس کلوز ٹو ناؤ 40 ایئرس، ہر سال ہمارے الیکشنز ہوئے ہیں، فیئر ہوئے ہیں، ایشوز ہو جاتے ہیں بیک اینڈ فورتھ، اور پاور چینج ہوتی رہتی ہے۔ اس میں جب تک آپ دیٹ ڈیموکریسی نہیں لائیں گے اس بگ آرگنائزیشن میں، کوئی بندہ شوڈ ناٹ بی دیئر فار مور دین اے ایئر اور ٹو ایئر، وٹ ایور جو آپ اس کا ایک پالیسی پروسیجرز بناتے ہیں، کیونکہ جب سم ون اسٹیز دیئر فار اے لانگ ٹائم دیٹس وین دس ایشو اسٹارٹس ہیپننگ۔ ایوری ایئر وی ہیو الیکشن، ایوری ایئر نیو پیپل کم، ایک دن ایک دفعہ ایک آئیڈیالوجی کے لوگ آتے ہیں، دوسری دفعہ دوسرے آتے ہیں، لیکن یو ورک ان سائڈ دا آرگنائزیشن۔ Plus, make sure that a good representation should be youths. Particularly, usko is tarah aap structure kar lein ke at least half of the leader will be born in this country. Aur jab aap log aage aate hain, toh I think then this chodrahat and this ego is little bit mellow or less. And I think that is the way to go. اگر کوئی ایسی سٹرکچر بن جائے۔ چڈا صاحب، یہ بتائیں کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ کوئی لیڈرشپ کانفرنس بلائی جائے اور کوئی تنظیم کا ڈھانچہ ایسا تشکیل دیا جائے جس کے بائی لاز ہوں اور اسے پھر ایک نیشنل لیول پہ چلایا جائے؟ میری جو امیدیں ہیں نا وہ ایسے ینگ بچوں پہ ہیں کہ ان کو ٹرین کیا جائے کمیونیکیشن اسکل میں، ایڈمنسٹریٹو اسکل میں، لیڈرشپ اسکل میں۔ ان کی ٹریننگ ابھی سے شروع کی ہے جو ہم لوگوں کی نہیں ہوئی، اور جو مسئلہ ہے وہ جب بیگیج ہم لے کے آئے ہیں نا اس کو بھگت رہے ہیں ہم۔ اب امیدیں، مجھے جو امیدیں ہیں وہ ان بچوں پہ ہیں جو ابھی آ رہے ہیں۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا اس پچھلے پولیٹیکل نائٹ میں آپ تھے، کتنے لوگوں نے انڈورس کر دیا اس کو بغیر پوچھے اس سے کیا کرے گا، کیا اس کی بیک گراؤنڈ۔ کسی نے، آئی واز اونلی ون، آئی ٹولڈ ہم، آئی سے آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو انڈورس یو انٹل آئی نو اباؤٹ لٹل بٹ مور اباؤٹ یو۔ سو ناؤ آئی ایم الگ بحث ہے ڈاکٹر صاحب کے انڈورسمنٹ، اور ہم وہاں پہ یہ بات نہیں کر رہے ہیں، ہم ایک کہہ رہے ہیں کہ کمیونٹی کو کس طرح سے نیٹورکنگ کے ذریعے آگے لے جایا جا سکتا ہے۔ نیٹورکنگ تو وہی تو کہہ رہا ہوں نا کہ یہ ان کو ٹرین کریں ابھی سے۔ ایک اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو بی ہیپن ان اے ڈے آر ٹو اور ان اے آر ٹو، اٹ ول ٹیک مے بی اے ڈیکڈ، بٹ دین دا لیڈرشپ ول بی ریئل لیڈرشپ، جس کو ہر کوئی سنے گا، جس کی ہر بات مانے گا، جن کو دل میں درد ہوگا اس قوم کا، پھر وہ آگے بڑھا سکے۔ ہاں، ٹو بی آنیسٹ، یہ جو پریزنٹ جنریشن ہے نا، آئی ڈونٹ ہیو اینی ہوپ، ٹو بی آنیسٹ۔ ملک صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ ڈو یو تھنک دیٹ دیر از اے مدر آرگنائزیشن دیٹ کین بی فارمڈ دیٹ انکلوڈز پاکستانی کمیونٹیز دیٹ آر ریلیجیس، دیٹ گیدر اراؤنڈ بینگ پروفیشنلز، اینڈ دیٹ گیدر اراؤنڈ بینگ جسٹ پاکستانی؟ ڈو یو تھنک دیٹ دیر از روم فار دیٹ ان آر کانورسیشن؟ اس میں بات اگین وہی آتی ہے کہ اگر ہم پہلے تو لوکل لیول پہ لیٹ سی کہ نیو یارک سٹی کی لیڈرشپ جو ہے اس میں سے پک کریں گے، لیٹ سی کہ 10 پیپلس پھر دوسری سٹی سے لے لیں۔ اس طرح اگر ریلیجیس لوگ انوالو کرنے ہیں، ڈیفینیٹلی ان کا بھی کردار ہے، ماسک میں لوگ جاتے ہیں، ان کی بات سنتے ہیں، تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ جیسے کہ چند جو بندے ہیں وہ لیڈرشپ فرسٹ ایک سٹی سے پک کی جائے، پھر دوسری سٹی سے، تو یہ بن سکتی ہے، اٹس ناٹ ہارڈ۔ لیکن پہلے ہم لوکل لیول پہ، جیسے پہلے کون سی تنظیم بنی ہوئی تھی؟ ابھی ہم نے ایک یہودیوں کا FBI کا سیمینار چیک کیا، وہاں 100 تنظیمیں تھیں جوشوں کی تھی،
پاکستان کی ایک یا دو تنظیم رجسٹر تھی اس میں جو نا اور انڈین کی ایک یا دو تھی تو اس کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم پہلے نیو یارک سٹی کی لیڈرشپ چن لیں گے پھر دوسری سٹی کی اس طرح بڑی تنظیم بن سکتی ہے اگر اپنا جو ہے وہ ان کے پاس بھی چونکہ پورے جو یو ایس اے میں سے نیٹ ورک ہے تو وہ بھی بندے ریکمینڈ کر سکتے ہیں وائی ناٹ اگر انہیں پوزیشن کے ساتھ دوسری تنظیم بنانی ہے تو وہ بھی بن سکتی ہے جس کے کمیونٹی کے اندر روٹس ہوں اگر فزیشین سے ہٹ کے میں کہہ رہا ہوں کہ جو کہ کمیونٹی کو پتا ہو کہ کیا ہو رہا ہے کمیونٹی کو کیسے ایکٹیو کرنا ہے چونکہ جب اتنے ملین لوگ رہ رہے ہیں پاکستانی جب وہ ایکٹیو نہیں ہوں گے چاند پڑھے لکھے ایکٹیو ہو جائیں گے تو بقایا ووٹ کی بھی ضرورت ہے اور ان کو بھی ہم نے ساتھ لے کے چلنا ہے یہ نہیں آپ کہ یہ جو بندے ہیں یا ان پڑھ ہیں ان کو ایک سائڈ پہ چھوڑ دیا جائے ان کو بھی ساتھ ملانا ہے وہ ساتھ پھر ہی مل سکتے ہیں جب ایک سٹی کی لیڈرشپ جو ہے 10 بندے ہر بندے کو پتا ہے کہ کیا کر رہا ہے اور آپ جانتے ہیں بہتر جو ہے نا عابد صاحب انہوں نے کہا کہ بن سکتی ہے لیکن بن کیوں نہیں رہی اور کیسے بنائی جائے گی یہاں پہ یہی دیکھا جاتا ہے کہ تنظیموں کے پروگرام ہوتے ہیں لوگوں کا اجتماع بھی ہوتا ہے دو دو ڈھائی ڈھائی 300-300 لوگ مگر اینڈ آف دا ڈے بات وہیں کی رہتی ہے بس ایک دوسرے کو بتا دیا جائے کہ ہم نے آرگنائزیشن بنا لی اور پروگرام کر لیے بس یہ کافی ہے کیا میرے خیال میں تو یہ کافی کوشش کئی دفعہ کوششیں ہوئی ہیں اور کامیاب بھی ہوئی ہیں لیکن جو بہت سے لوگ ہیں وہ سازشیں کرتے ہیں اور اس کو کامیاب نہیں ہونے دیتے میرے خیال میں تو یہ ہے کہ یہاں پہ جتنی بھی آرگنائزیشن پہلے ہم نیو یارک اسٹیٹ سے چلیں تو جتنی بھی آرگنائزیشن ہیں سب سے ایک ایک یا دو دو آدمی لے لیں ہر آرگنائزیشن سے اور ایک ہم شورا ٹائپ کی ایک وہ بنا لیں اور پھر جب وہ بن جائے تو اس میں سے ایک آدمی کو جو ہے وہ منتخب کر لیں جو ان کو ہیڈ کرے اور ہر سال جو ہے صحیح معنوں میں الیکشن ہو اور وہ جو ہے اس کو چلائے لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ پھر وہی سنسیئرٹی کی ضرورت ہے کہ آپ لیکن میرے خیال میں تو یہ ہے جتنی آرگنائزیشن ہیں ان کو اپنا کام کرنے دیں ان سے کہیں کہ صحیح ہے آپ ہم جو ہے بڑے پروگرام کریں گے آپ ایسا کریں کہ سپورٹ کریں اور وہ جو ہے شورا جو ہے وہ پھر اس کا کام کرے اس بات سے تھوڑی اعتراض ہے کیونکہ جو آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ہر سال الیکشنز ہونے چاہیے اور کسی کو الیکٹ کرنا چاہیے اور یہ ساری چیزیں جو آپ کہہ رہے ہیں اگر آپ ہم یہی چیزیں پہ چلتے ہیں کہ سمون شوڈ بی ویل نون یا دے شوڈ بی ویلتھی یا دے شوڈ بی انفلوئنشل تو ہم یوتھ کو پھر کیسے لے آئیں گے مطلب میرے جیسے لوگوں کو کیسے ہم شامل کر سکتے ہیں اف وی جسٹ گو آن ریپیوٹیشن اینڈ ویلتھ اینڈ انفلوئنس ان دا کمیونٹی ہاں اس میں یہی ہے کہ جیسے ساری آرگنائزیشن ہیں اس میں سے ایک ایک لیں اور اس میں جو ہے ایک کوٹا سسٹم رکھ دیں کہ ہاں بھی ہم نے اتنے فیصد جو ہے ینگسٹر کو لے کے آنا ہے اور اس میں جو ہے ہم سڑک کے جو اچھے پڑھنے میں ہوں یا جو کمیونٹی خدمت کرنا چاہتے ہیں ان کو بھی ہم ساتھ ملائیں اور سب ساتھ مل کے جو ہے نا وہ کام کریں جب تک ینگ بچے ہمارے ساتھ نہیں ملیں گے اور تو ہم کامیاب نہیں ہو سکتے اس میں انہوں نے ہی آگے چلنا ہے ہم لوگ تو اب سمجھے کہ ہم لوگ تو ریٹائرمنٹ کے قریب ہیں اگر ہم آگے ہم پیچھے ہٹیں گے کیا ایسا ممکن نہیں کہ ہر سٹی میں الیکشن کروا دیا جائے وہاں سے ایک ایک لیڈر چنا جائے اور پھر ان کو ذمہ داری سونپی جائے یہ پہلے تو یہ ہے کہ آپ یہ ڈٹرمن کریں کہ ڈو یو نیڈ اے مدر آرگنائزیشن از دس از اے نیڈ ایٹ دس مومنٹ یا ناٹ پہلے تو ہم لوگوں کو ایک کنسنسس ہونا چاہیے کہ ہمیں کوئی ایک بڑی آرگنائزیشن بنانی ہے بن سکتی ہے ضرورت ہے وقت کی یعنی جب آپ کو یہ ایک ڈیسیژن بن جاتا ہے بات ہو رہی کہ ایک بڑی آرگنائزیشن اسی صورت میں بنے گی نا کہ مختلف شہروں میں ہم الیکشن کروائیں آپ جیسے لوگ الیکشن کروائیں وہاں پہ کوئی ایسی نمائندہ چیزیں بنائیں الیکشن کروائیں وہاں سے سلیکٹ کریں ایک ایک لیڈر پھر اس طرح مل کے ایک بڑی تنظیم بنے گی اس کا سلسلہ تو اسی طرح ہو سکتا ہے آئی تھنک پھر یہی ہو سکتا ہے کہ جو آرگنائزیشنیں رجسٹر ہوئی ہیں جس اسٹیٹ میں پاکستانی ڈسنٹ آرگنائزیشنیں وہ ساری اکٹھی ہو کے ان میں سے کہیں کہ جی نیو یارک میں سے ہمیں صرف 5 آدمی چاہیے فرض کیا تو لیٹ دیم سلیکٹ مے بی 2 and 3 شوڈ کم فرام ینگ جنریشن گفتگو ہماری جاری رہے گی لیکن یہاں ناظرین ایک اور بریک کا ٹائم ہوا ہے بریک پہ جانے سے پہلے ہمارے اسپانسرز کے پیغام سن لیں کباب کنگ اسٹیک ہاؤس جیکسن ہائٹس کے بعد اب لانگ آئلینڈ میں ایک نیا تجربہ یہ کرنے جا رہے ہیں اسٹیک ہاؤس کا اس کے علاوہ ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے اینل ہرمین ٹور اینڈ ٹریولس ان کے پاس حج عمرہ ہر قسم کا پیکج موجود ہے ساتھ ہی ساتھ ہمارے ساتھ ایک اور اسپانسر ہیں وہ ہیں این وائی سی گارجین یہ ہر قسم کا انشورنس بروکریج یہ رکھتے ہیں چلتے ہیں شارٹ بریک کی طرف Welcome back to Community Debate. Just to let you all know, you can reach us at communitydebate.go@gmail.com. You can also like our page on Facebook, follow us on Twitter, and we are available through contact on WhatsApp. Chadda sahab, mujhe aapse ye sawal puchna tha ki jo auraton ki platform hai, kahin auraton banana chah rahi hai apni organizations Pakistani auraton ke liye. Hum kya kar sakte hain unko platform dene ke liye, unko awaaz dene ke liye hamari badi community mein?
सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि उनके लिए आप कोई सेंटर हो, कोई जगह हो जहाँ के वो आके मिल सके. इसीलिए मैं ये कह रहा था कि हमने कम्युनिटी सेंटर बनाया है, इस्लामिक सेंटर लॉन्ग आइलैंड हैज़ बिकम ए कम्युनिटी सेंटर वेयर वुमेन कैन कम, दे कैन हैव ए स्पेस, दे कैन हैव ए फैसिलिटी, फैक्स प्रिंटिंग, एवरी फैसिलिटी दे कैन हैव, एंड दे कैन ब्रिंग देयर चिल्ड्रन वेयर दे कैन प्ले and spend time, so they have time to interact with each other. We have organizing, we have domestic harmony, where, you know, women who need help financially or husbands have thrown them out, you know, that organization takes care of them. We have interfaith committees, woman to woman, Muslim and Jewish woman committee, Muslim and Christian woman committee. They meet together, they get together, they learn from each other, we learn from there. Like tomorrow I'm going to Great Neck Synagogue, because they have a function, we are going there. Dr. Saab, क्या आप समझते हैं कि वुमेन की अलग ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए और कुछ ख्वातीन ऐसा कर भी रही हैं, अगर वो ऐसा करती हैं तो इसमें कितना इनको सपोर्ट मिल सकता है और आप समझते हैं कि बाकी उन्हें ऐसा करना चाहिए? There is nothing wrong with that. I think हमारी जो growing community है, जिस तरह अभी चड्डा साहब ने कहा कि domestic harmony and kids issues and families issues or shelter issues, there is nothing wrong to have a woman organization jo basically women rights, women issues at home and outside the home should be addressed, where women, kyunki abhi hamari jo culturally and religiously bhi we are not that open minded community where people can sit and dialogue. In ICLI there is, but not in other communities, Brooklyn honge ya jo hamari even in America ke andar underdeveloped communities hain, there is nothing wrong to have a big woman organization representing women rights and fighting for their rights. Abhi sir, aisi agar koi tanzeem banti hai to usme naujawan nasal ka kitna hissa hona chahiye? Bilkul hai ke naujawan nasal ke bagair to koi kaam nahi ho sakta hai aur usme ek bahut ahem role ada kar sakte hain. Is waqt bahut si khawateen aisi hain jo bechari akeli rehti hain, divorced hain ya gareeb hain या अकेले ही अमेरिका में आई हैं, तो जो नौजवान नस्ल है उनको एजुकेट कर सकती है, उनको तालीम दे सकती है, उनको जो है जॉब के लिए तैयार कर सकती है, जैसे टाइपिंग करना सिखा सकती है, कंप्यूटर सिखा सकती है, उनको सिलाई सिखा सकती है, उनको मार्केटिंग के ज़रिए बता सकती है, उनको और बहुत से यहाँ पे प्रोफेशन हैं जो ख्वातीन को सिखाया जा सकता है, जो हमारी नौजवान नस्ल ही उनको जो है सपोर्ट कर सकती है और ये जो एक अहम रोल अदा कर सकती है हमारी नौजवान नस्ल जो कॉलेज जा रही है. लेकिन मलिक साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि अगर ये तंजीम नहीं बन सकी जो औरतों के लिए बनी हुई है, तो हाउ मच ऑफ अ रिस्पांसिबिलिटी इज़ इट दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस के कि औरतों की इश्यूज खुद मतलब डील करना, हैंडल करना? जैसे मैं हम उर्दू और इसका प्रोग्राम कर रहे हैं तो उसमें दो जो टीचर्स हैं खुद उन्होंने अपनी तंजीमें अभी बनाई हैं, तो मैं कहता हूँ अगर पढ़ी लिखी जो औरतें हैं वो जैसे रफ़े आप सब ने बताया कि अपने अपने इलाके में वो लोगों की हेल्प कर सकती हैं, जैसे कोई शेल्टर की ज़रूरत पड़ती है या फिर किसको डोमेस्टिक वायलेंस की ज़रूरत पड़ती है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि अगर बड़ी तंजीम नहीं भी बन सकती तो इसका इट विल बी टेक अ टाइम. ये नहीं कि राइट वे बनाएं तो पूरे USA में छा जाएँ. ये होता है कि राइट वे पहले छोटी तंजीमें बनती हैं फिर ही बड़ी तंजीमें बनती हैं. और मैं कहता हूँ कि जैसे जो अपने अपने इलाके में औरतें एक्टिव हैं वो बनाएँ और लोगों की हेल्प करें. तंजीम बनाना तो कोई काम नहीं है, बात असल में काम करना है, और तंजीम वही कामयाब होती है जो लोगों की हेल्प करती है, जिसके लोग नंबर हो लोगों के पास और उसको कॉल करें. तो ये नहीं कि मैं ये नहीं कर सकता, उसका काम है एक तंजीम से दूसरी तंजीम से वो हेल्प लेके काम करें. डॉक्टर साहब, मलिक साहब ने बात की कि कोई एक ऐसा नंबर होना चाहिए अगर कोई किसी किस्म का मसला पेश आ जाए तो लोग कॉन्टैक्ट करें एक दूसरे से. जिस तरह दीगर कम्यूनिटी में तो कोई ऐसा एक नंबर असाइन होता है कि पता चलता है कि अगर आपके मसाइल हैं तो जाएँ आप जाकर उनसे बात करें. हमारे पास जिस तरह से ये कह रहे हैं, क्या ऐसा मुमकिन है, ऐसा आप ख्वाब देखते हैं कि कोई ऐसा नंबर हो नेशन वाइड लॉस एंजल्स से मियामी तक, जहाँ भी कोई मसला हो फौरन उस नंबर पे कॉल किया जाए और लोगों को हेल्प मिले उससे? आई थिंक जो उन्होंने ज़िक्र किया उसको मैं थोड़ा सा आगे लेके चलता हूँ बिफोर आई आंसर योर स्पेसिफिक क्वेश्चन. हमारी कम्यूनिटी किस जगह पर ज़्यादा इकट्ठी होती है, या तो मस्जिद में या फिर स्कूल और कम्यूनिटी ऑर्गेनाइजेशन में? आई थिंक इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मस्जिद जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ये कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन हैं या स्कूल हैं, कि यहाँ पे हर जगह पे एक वुमेन फोरम ज़रूर होना चाहिए ताकि वुमेन शुड डिस्कस इश्यूज़ प्रॉब्लम्स अमंग देम सेल्फ
एंड जब ये फोरम मस्जिद का फोरम है, स्कूल का फोरम है, कम्युनिटी फोरम्स है, ये जो है ना, दे शुड रिजॉल्व दीज इश्यूज. जब ये चीज़ें थोड़ी सी सॉलिडिफाइड होती हैं और जिस तरह आप ऑर्गेनाइजेशंस को इकट्ठा करके बड़ा करते जा रहे हैं और उसमें कोई जिस तरह आप बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का नाम लेते हैं, उसके अंदर भी एक वुमन फोरम होना चाहिए. एंड देन यू कैन हैव अ वन स्पेसिफिक नंबर और दैट स्पेसिफिक नंबर अपने प्रॉब्लम के साथ आप करें और उसको एड्रेस करें. खाली स्पेसिफिक नंबर देने से एंड देर इज़ नो वन अदर साइड टू लिसन इट, address it and guide it, it doesn't make any help. puri community ke liye sirf women's ki nahi baat ho rahi hai ki puri community ki baat ho rahi hai ki puri community ke paas is tarah ka aisa hona chahiye number hotline type keh lein jisme unko madad mile, yani sirf women's tak mehdood na ho, wo puri community tak mehdood ho, to wohi darigar puri community tak ho, wohi role hai na these choti jo organizations hain inke je aage membership hai to they have to educate their members. ab jaise doctor saab keh rahe hai to dusron ke number ki baat ho rahi hai, बात यहाँ पे हो रही एक कॉमन नंबर, एक मुश्तरका नंबर जो सबके पास हो, यानी दूसरों के नंबर नहीं, एक नंबर क्रिएट ऐसा हो कि जिसे आप हेल्पलाइन कह लें या जो भी उसको नाम दे दें. आप चाहते हैं नंबर एक शहर में हो, एक सिटी में हो, एक इलाके में हो, 1-800 नंबर है, उसे पता है कि टोल फ्री नंबर है, चाहे किसी भी शहर में आप उसमें कॉल करेंगे, हो सकता है. लेकिन अभी जो लोकली जो हो रहा है वो तो एक्ट हो रहा है. आप इकना की मिसाल ले लें, दे हैव ए नंबर, इस्लामिक सेंटर लॉन्ग आइलैंड हैज़ ए नंबर, केयर हैज़ ए नंबर, अगर किसी को इमिग्रेशन का प्रॉब्लम है तो केयर को कॉल करें, वो दे हैव अटर्नीज हु विल फाइट फॉर दैट पर्सन. और इकना में भी शेल्टर का इंतजाम है, इस्लामिक सेंटर में डोमेस्टिक और केयर की बात कर रहे हैं, एक महदूद इनकी भी वसाइल हैं, वही तो कह रहा हूँ, एक मूल गिर सतह पर हो सकता है. अगर अगर यही डुप्लीकेट हर शहर में हो, हर मस्जिद या हर जो भी तंजीम है वो इसको डुप्लीकेट करे इसी चीज़ को, तो आखिर में जाके फिर एक कॉमन नंबर हो सकता है. बात ये हो रही है कि नंबर एक ऐसा है कि जिसमें पता है कि उस पर ऐसा सिस्टम हो कि भाई जिस इलाके से फ़ोन कर रहा है उस नंबर के जरिए उस इलाके तक मुतल्लिका इलाके तक पहुंचाया जाए उसको. आपने मेरी बात सुनी नहीं, इस एरिया में प्रॉब्लम है, उस तंजीम को कॉल करे कि ये तुम्हारा मसला है, ये मैं कह रहा हूँ. लेकिन आबिद साहब, आपके ख्याल में अगर ऐसी नंबर बनाया जाए तो कौन उसके पीछे रहना चाहिए, मतलब कौन किससे बात करना चाहिए, लॉयर से, डॉक्टर से, मतलब अगर हमारी कम्युनिटी के मसाइल हो तो किससे बात कर सकते हैं? मैं तो समझता हूँ कि ख्वातीन की एसोसिएशन जो है वक्त की अहम ज़रूरत है. इस वजह से ख्वातीन जो है ख्वातीन के साथ ही बात कर सकती हैं. जब उनको मालूम होगा कि ख्वातीन को कि ये ख्वातीन की एक अलग ऑर्गेनाइजेशन है जो उनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ कर सकती है, उनको प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है. डॉक्टर साहब, डॉक्टर आसिफ चौधरी से आप वाकिफ़ हैं, डेमोक्रेट ने उन्हें कैलिफोर्निया के लेफ्टिनेंट गवर्नर के लिए नामजद किया है. कहा यह जाता है कि अगर हिलरी क्लिंटन कामयाब हो जाती तो वो पहले मुस्लिम और पाकिस्तानी अमेरिकन होते जो इतने बड़े फेडरल हेल्थ सेक्रेटरी तक के अहदे पर जा सकते थे. इन दिनों डॉक्टर आसिफ चौधरी भी कम्यूनिटी की नेटवर्किंग में नज़र आते हैं, काफ़ी मतलब एक्टिव, और मुख्तलिफ शहरों के दौरे भी कर रहे हैं. तो आप क्या नहीं समझते कि जब डॉक्टर आसिफ चौधरी जैसे लोग आ रहे कम्युनिटी में तो कम्युनिटी को इन जैसे लोगों के साथ आगे बढ़ना चाहिए, मदद करनी चाहिए और एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करें? ये आई नो आसिफ महमूद वेरी वेल. जब मैं प्रेसिडेंट था 2014 में तो स्प्रिंग मीटिंग लॉस एंजलस में हुई थी, ही वॉज अ चेयर ऑफ दैट मीटिंग, ही डिड अ गुड जॉब. इन एडिशन टू लॉट ऑफ अदर पाकिस्तानीज हु वर इन्वॉल्व्ड इन पोलिटिकल अरीना लास्ट ईयर लास्ट इलेक्शन, he was also very much involved with Hillary Clinton campaign and I think he traveled with her all over the country. Kuch aur log bhi bade involved the. Now he has decided to himself participate. Well, yahan pe main ek add kar dun, Dr. Asif Chaudhary Houston mein hamare community debate ke program mein guest ke taur pe is week aa rahe hain. Ji, to I think he has announced ke he is running. Unhone I think as it is our responsibility now एज अ कम्यूनिटी विच अभी हम लोग ये बात कर रहे हैं कि एट लीस्ट देर इज़ अ नेम विच इज़ वेरी वेल नोन फ्राम आवर कम्यूनिटी और वो मेन अरीना के इलेक्शन में एंट्री है. तो उसके लिए जो कैलिफोर्निया के लोग हैं तो दे कैन हेल्प हिम बाई गोइंग आउट एंड रिक्रूटिंग एंड मेकिंग मोर वोटर एंड डूइंग लॉट ऑफ लेग वर्क. लेकिन जो कम्यूनिटी आउट ऑफ कैलिफोर्निया है, जिस तरह न्यूयॉर्क की अभी आपने का ह्यूस्टन में, आई थिंक वी शुड सपोर्ट
him in any capacity which we can. And mostly either politics ke liye you need lot of money, you have to raise some funds and then you get matching funds. To hum unke liye donation dein, hamare jo apne contacts hain California mein unko utilize kare. Iske alawa agar aap California mein nahi bhi hain, wherever you are, you can be a part of his team and try to make phone calls and brochures, and because he is going very first time to run in this election, I think we should do everything what we can to support Asif Mahmood. Malik sahab, kya aap log is cheez ke liye taiyar hain ki koi aisi mother organization ko create kiya jaye, networking ki jaye aur usko promote kiya jaye aur community ke betterment ke liye kaam kiya jaye? United hoke to ek meeting kar lein aur usme se fir election ke zariye pick kar lein aadmi jo hai. जैसे इलेक्शन के जो भी पिक हो जाए एक सिटी में से, तो डिफरेंट सिटी में से लोग जो हैं पिक किए जाएँ, दो या चार. उसमें ज़ाहिर है कि यूथ जो है वो आने पहले तो हमारे साथ ही ये काम करेंगे, सीखेंगे. ज़ाहिर है कि ये पढ़े लिखे हैं लेकिन इनको कम से कम थोड़े से पता होना चाहिए सियासत का. तो हमारे साथ चलें और इसको हम पार्ट उसमें बनाएँ, उसका वुमेंस को भी और यूथ को भी. तो ये दो चार साल सीखें, उसमें बेशक नुमाइंदगी इनकी हो, लेकिन दो चार साल के बाद जब तैयार हो जाएंगे फिर बेशक इंडिपेंडेंट अपना कर लें, लेकिन अभी इनको बड़ों की ज़रूरत है, उनके साथ चलने की ज़रूरत है ताकि सीखें जो सियासत. आप सर आप क्या कहते हैं कि हमें जो है एक मदर ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत है, लेकिन यही है कि लोग सिंसियरिटी और डिवोशन के साथ अगर काम करें. और उसमें यही है कि मेरे जहन में एक यही आता है कि एक शोरा बना दीजिए, हर ऑर्गेनाइजेशन से एक आदमी या दो आदमी लें और उसको जो है लेके आए, और फिर वो लोग जो जो उसमें आए फिर वो जो है अपना वोटिंग में हिस्सा लें. या फिर ये भी हो सकता है कि हम जो है जैसे हमारे पास मीडिया है, हमारे 10-12 टीवी स्टेशन हैं, 10-12 अखबार आते हैं, उसके ज़रिए पब्लिसिटी करें. एक आम आदमी जो पाकिस्तानी है उसको हम बाहर निकालें और उससे हम वोटिंग कराएं कि वो क्या चाहता है, कौन कौन सी लीडरशिप चाहता है और किनको अच्छा समझता है, उनसे वो वोट डलवाएं और फिर वो आदमी जो है आगे आए और फिर वो ताकि वो काम करें. लेकिन मेरा सवाल ये है चड्डा साहब पीछे आपके लिए कि एक तो ये है कि किस किस को वोट देना चाहिए, मतलब कौन हु इज़ एलिजिबल ये वोट देने के लिए, और दूसरा हमारी जो मजहबी है जुमारे जो मस्जिद है, ये इनके क्या रोल है ये बड़ी कम्यूनिटी नेटवर्किंग में, ये कैसे हाउ डज दिस फिट इनटू, अगर कोई मदर तंजीम बन भी गई है तो हाउ डू मस्जिद्स फिट इनटू दैट मदर ऑर्गेनाइजेशन. लेकिन मस्जिद जो हैं वो पॉलिटिकली तो पार्ट एक्टिवली नहीं, पार्ट 501c उनका स्टेटस होता है, वो पॉलिटिकली इन्वॉल्व खुद नहीं हो सकती. थैंक यू चड्डा साहब एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर जॉइनिंग अस टुडे. If we were not able to create an organization, we were at least able to begin the conversation on creating one and on unity and democracy, hamari Pakistani American community within ourselves. I know that I learned a lot. We hope that you learned something too. And we'd like to thank you very much for watching. Yaad rakhiyega ki agar aapke paas koi sawal hai ya any comments, you can reach us at communitydebate.go@gmail.com. You can like our page on Facebook, follow us on Twitter, and you can contact us through WhatsApp. We hope to see you here next week, same time, same place. Thank you. Shukriya. Khuda hafiz.